हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मार्बल आर्ट्स एट होम कैसे हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट में मैंने लिया ये पानी का ग्लास और इसमें मैं फर्स्ट मार्बल आर्ट ट्राई कर रही हूँ। पिंक कलर और वाइट कलर का सेट लेके आप लोग इजीली बहुत मतलब थिकनेस थोड़ा सा होना चाहिए नेल पेंट का, जिससे ईजिली ये जो है मतलब पानी में डालते इससे स्प्रेड हो। और ऐसे करके मैंने ये नेल आर्ट किया। उसके बाद गाइस हमें एक टूथपिक की मदद से जो है अच्छे से इसको मतलब डिज़ाइन बनाना है। आप जैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने फॉलो किया है उसे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइज मैंने कोई महंगा नेल पेंट यूज़ नहीं किया, मैं बस ब्लू हेवन का ये सिंपल सा 10-20 रुपये में आ जाता है नेल पेंट, इसी का यूज़ करके मैं मार्बल आर्ट कर रही हूँ। तो इसमें 3 मार्बल आर्ट दिखाई हूँ मैं आप लोग की, बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ऐसे ही सारा स्टेप फॉलो करके आप लोग बहुत ईजिली ऐसे मार्बल आर्ट कर सकते हैं। और मार्बल आर्ट में क्या है कि बहुत लाइट कलर्स है ना, बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि वाइट और ऐसे पिंक का कॉम्बिनेशन। और थोड़ी देर हमें ऐसे फिंगर को जो है थोड़ी देर स्टे करके रखना है, जिससे वो अच्छे से बैठ जाए। और जो भी ज़्यादा लगा हुआ है साइड में, उसे हमें रिमूवर के मदद से हटा देना है। तो इस गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है, सारा रिंग नेल्स में करेंगे तो बहुत प्यारा सा दिखेगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नेल मार्बल नेल आर्ट पर। तो ये हो गया फिनिश। तो यस गाइस, तो वैसे ही गाइज मैं अब करने जा रही हूँ व्हाइट और ब्लैक नेल पेंट का मार्बल आर्ट अपने नेल्स में। तो मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए नेल पेंट का, और जिससे जो है अच्छे से स्प्रेड हो जाए पानी में और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मतलब आर्ट बने। कि लाइट डार्क कलर जो है मिक्स होते वक्त बहुत अच्छा और सुंदर लगता है, इससे मार्बल आर्ट जो है निखर के आता है नेल्स में जो है। और हाँ, इसके बाद जो हमें फिर से टूथपिक लेना है। और ये जो है मैं रख रही हूँ 2-3 ड्रॉप जो है मतलब नेल पेंट का, तो आप लोग बहुत बार भी रख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ही रखा है क्योंकि सिंपल और ईजी है कि सबके लिए आसान हुई है। तो उसके बाद मैंने टूथपिक की मदद से इसको मतलब डिज़ाइन किया। आप लोग जितना बार चाहे कर सकते हैं, बट वही है कि मतलब इधर उधर नहीं फैलना चाहिए, बहुत धीरे से हल्के से करना चाहिए। और वैसे ही नील रखने के अंदर जो है थोड़ी देर के लिए स्टे करना है नील को, उसके बाद ही बाहर निकालना है और रिमूवर की मदद से जो भी स्किन में लगा हुआ है उसे हटा देना है। तो यही है सेकंड वीडियो में, बढ़ते हैं थर्ड वीडियो की तरफ। तो गाइज आप लोग चाहते हैं कि नेल पॉलिश इजीली रिमूव हो जाए स्किन पे लगने से और स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम लोग ऐसे वैसलीन लगा सकते हैं साइड में, जिससे इजीली रिमूव हो जाएगा अगर हम लोग मार्बल नेल आर्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि साइड साइड में भी लग जाता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, और अब मैं ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन में मार्बल आर्ट कर रही हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप लोग 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बहुत ईजिली मतलब घर पर मतलब इतना अच्छा नेल आर्ट कर सकते हैं। महंगा नेल एक्सटेंशन करने से अच्छा तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता भी। तो यस गाइस, ऐसे ही ट्राई कीजिए, जो भी मतलब मैंने दिखाया है वीडियो में उसी को फॉलो करना कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और प्लीज़ 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 आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था, बाय, टेक केयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोज में।